आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं भारत की एजेंसियों के बारे में, भारत की जांच एजेंसियां, इंडियाज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बारे में। तो हाल ही में ये चर्चा में बहुत रही है ये सारी एजेंसियां, इसीलिए हम इनके बारे में आज कुछ विस्तार में बातें करेंगे और इनके कार्य प्रणाली वगैरह और इनके क्या क्या वैधानिक और संवैधानिक ये निकाय है या नहीं है, इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सुर्खियों में क्यों है। सुर्खियों में क्यों, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए एक स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान के गठन का सुझाव दिया है। ये याद रखना, यहाँ पर एक क्यों जांच यहाँ पर ये इसमें है सुर्खियों में, तो स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान जिसका सुझाव दिया गया है किसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे देश के, आप सभी को पता होगा, एनवी रमन्ना जो अभी थे और अभी हम बदलने वाले हैं जो कि अभी हमारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत में जांच एजेंसियां नजर डालते हैं सबसे पहले सीबीआई पर। सीबीआई यह वर्ष 1963 में स्थापित भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी, याद रखना ये जांच पुलिस एजेंसी है और ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, तथा तो कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, कि यह कार्य करती है कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण संस्थानम समिति समिति वर्ष 1962-64 की अनुशंसा पर की गई थी। कौन सी समिति पर की संस्था किसी अनुशंसा पर की गई थी, संथानम समिति की अनुशंसा पर इसका स्थापना की गई थी। जब भारत में नोडल पुलिस एजेंसी, याद रखिएगा कौन सी पुलिस एजेंसी है, भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है यानी कि एक केंद्रीय प्रमुख संस्थान है, केंद्रीय संस्थान है जो कि इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। इंटरपोल क्या होता है, यानी इंटरनेशनल पुलिस, एक तरीके से इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस ही होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। यहाँ पर जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा। गहन अन्वेषण और अपराधों के पथ अभियोजन द्वारा भारत के संविधान और देश के कानून की मर्यादा की रक्षा करना, पुलिस बलों को नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करना और विधि प्रवर्तन में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। नोडल यानी कि एक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थान या केंद्रीय संस्थान आप कह सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, और यह कोई वैधानिक या संवैधानिक निकाय नहीं है। याद रखिए विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा प्रशासित है, यानी आगे बढ़ते हैं। यह गहन जांच और अभियोजन के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटने तथा आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है। याद रखिएगा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटने तथा आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाने से केंद्रित है। साइबर एवं उन्नति प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सहयोग करती है। लोकपाल अधिनियम 2013-2014 का वन में यह प्रावधान किया गया कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता से मिलकर बनी उच्चाधिकारी समिति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीआई निदेशक की जो बात की गई है वो सिर्फ प्रधानमंत्री या केंद्रीय गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे, उसके साथ हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का जो नेता होगा से मिलकर बनी एक उच्चाधिकार समिति द्वारा की जाएगी, यानी ये तीनों चारों तीनों ये हेड मिलकर उस उच्चाधिकार समिति द्वारा उसके निर्णय पर इसकी निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सीबीआई और ईडी के निदेशों के 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष करने के लिए वर्ष 2021 में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए, और यह केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग को और लोकपाल को भी एक सहायक के रूप में कार्य करती है, उनको सहायता उनके कार्य में सहायता प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं ईडी की तरफ, जो कि हमारी है अगली एजेंसी जो अभी आजकल
आप देखते होंगे बहुत सुर्खियों में है। इसे वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा एनडीए की स्थापना 1956 में होती है जबकि सीबीआई की स्थापना 1963 में होती है। 1963 में सीबीआई की स्थापना और 1956 में ईडी की होती है, यानी कि ईडी की स्थापना पहले होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे वर्ष ईडी को वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेषीकृत वित्तीय जांच एजेंसी है। किसके अंदर अधीन आती है? याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आती है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फेमा और धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA ये रहता है। फेमा एक सिविल कानून है, याद रखिएगा फेमा कौन सा कानून? सिविल कानून है, जबकि PMLA आपराधिक कानून है। यह एक कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का एक बहुत अनुशासनात्मक संगठन है, यानी कि यह अनुशासनात्मक संगठन है। एक इसमें अकाउंटेंसी, फोरेंसिक ऑडिटिंग, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्वेषण, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका उद्देश्य सफ़ेद पोश अपराधों, धोखाधड़ी का पता लगाना, उनके लिए मुकदमा चलाना या मुकदमा चलाने की अनुशंसा करना है, यानी कि जो अपराधी हैं जो कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चलाने की अनुशंसा आदि करना इसका मुख्य कार्य। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वसंविधिक दर्जा प्रदान किया गया है, यानी कि ये सांविधिक दर्जा इसको 2013 में कंपनी अधिनियम के तहत मिला है। इसमें कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं थी, यानी कि ये आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है अगर किसी आरोपी ने कंपनी कानून का उल्लंघन किया है। जांच में SFIO के अधिकारियों की सहायता के लिए वर्ष 2013 में कंप्यूटर फोरेंसिक एवं डेटा माइनिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी, यानी कि 2013 में इसकी सहायता के लिए CFDML की स्थापना की गई थी। अगले एजेंसी की तरफ पढ़ते हैं जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जो कि हमेशा अधिकतर सुर्खियों में रहती है। जम्मू कश्मीर में हमेशा सुर्खियों में रहती है। यह NIA अधिनियम 2008 द्वारा प्रशासित है, यानी कि इसका जो भी प्रशासन वगैरह, जो भी इसके नियम, जो भी इसका तरीका है काम करने का, जो भी नियम कायदे हैं वो NIA अधिनियम 2008 के अंदर ही आती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NIA अधिनियम केंद्रीय एजेंसी को केंद्रीय एजेंसी को देश भर में आतंकी गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देता है, यानी कि यह आतंकी गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान ले सकती है। जरूरी नहीं कि इसको कोई आदेश दे या किसी ऑर्डर पर ही काम करे। अगर इसको NIA को लगता है कि यहाँ पर आतंकवादियों की गतिविधि ही है तो स्वतः संज्ञान लेने की इसके पास शक्ति है। इसका शासी निकाय गृह मंत्रालय, यानी कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कर लेते हैं। एजेंसियों की बहुलता, एक ही घटना की जांच कई एजेंसियों द्वारा की जाती है, जिससे प्रायः साक्ष्य कमजोर पड़ जाते हैं। बयानों में विरोधाभास उत्पन्न होता है, शक्तियों का अतिव्यापन होता है। इससे निर्दोषों को भी लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है। यहाँ ये हमारे कुछ इसके नेगेटिव पहलू भी हैं, यानी कि एक ही जांच को बहुत सारी एजेंसियाँ करती है तो साक्ष्य कमजोर पड़ जाते हैं। कोई क्या साक्ष्य ढूंढ रहा है, कोई क्या साक्ष्य ढूंढ रहा है, जिससे कि विरोधाभास भी उत्पन्न होता है। और इसमें बहुत सारे कई बार जो कि निर्दोष व्यक्ति होते हैं वो भी इन विरोधाभासों के चक्कर में कारावास में रहना पड़ता है उनको लंबे समय तक। अभियोजन में विलंब होता है, इनसे लोग अभियोजकों और स्थायी अधिवक्ताओं की कमी होती है। सुनवाई के लिए अगली तारीख की मांग, लंबित मुकदमों में बड़ी संख्या में दस्तावेजों की दाखिल करने, विचाराधीन कैदियों का अनुचित कारावास, यानी लंबे समय तक तारीखें चलती रहती है और रिपोर्ट चलती रहती है। सात साल, चार चार साल, पाँच पाँच साल तक ऐसे मुकदमे चल जाते हैं। केवल एक पक्षी साक्ष्यों का चयन और अधिकारियों के बार बार स्थानांतरण से जाँच के अनावश्यक विलंब होता है। इसमें बहुत बार ये भी आपने देखा होगा कि अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है जब कुछ पॉलिटिकल हस्तक्षेप की वजह से बहुत बार कुछ जांच में विलंब होता है और अनावश्यक विलंब भी होता है और स्थानांतरण भी होते रहते हैं।
सामान्य सहमति जब कई राज्यों जैसे मिजोरम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि से सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तब सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य से केसवार सहमति लेनी पड़ती है। यानी अगर कोई घटना हुई है और जब सीबीआई को विभिन्न राज्यों जाना पड़ता है तो सीबीआई को वहां पर अपनी अनुमति लेनी पड़ती है। अगर ये राज्य सामान्य सहमति यानी कि एक सहमति ये नहीं बनती है तब सीबीआई को अलग अलग जाकर केसवार सहमति लेनी पड़ती है। इस प्रकार यदि राज्य सरकार सीबीआई को जांच की अनुमति नहीं देती तो सीबीआई अधिकारी राज्य में प्रवेश करते ही पुलिस अधिकारी होने की अपनी सभी शक्तियां खो देते हैं। यानी कि अगर राज्य सरकार उनको आदेश नहीं दे रही तो सीबीआई अपनी वहां पर जांच पुलिस के तौर पर जांच अपनी नहीं कर सकती, यानी अपनी शक्तियां पुलिस के तौर पर खो देती है। डीएसपी अधिनियम की धारा 6 राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारियों को सहमति देने या न देने का अधिकार देती है। यानी कौन यहाँ पर यह हमारे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि डीएसपी के अधिनियम की धारा 6 राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारियों को सहमति देने या न देने का अधिकार देती है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकवाद विरोधी नोडल इकाई है, यानी कि आतंकवाद विरोधी कार्यों में यह एक प्रमुख निकाय है। इसके पास भी अभी भी जांच करने की त्वरित आवागमन के बुनियादी ढांचे, जनबल और वाहनों की कमी है। यानी कि अभी भी इसके पास कमी है जिस कारण कि जांच प्रभावित होती है। आवागमन में, बुनियादी ढांचे में लोगों की कमी है, कर्मचारी की कमी है, जिसकी वजह से भी इसकी जो जांच है प्रभावित होती है। कम होती विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार, ज्यादती है, निष्पक्षता की कमी, भ्रष्टाचार, ज्यादतियों, निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध, उदाहरण के लिए भोपाल कांड, फवारा कांड के आरोपों के कारण सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ जैसी जांच एजेंसियों की छवि खराब हुई थी। सीबीआई ने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 के तहत छूट का दावा करते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया है, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही में बाधा उत्पन्न हुई है। स्वायत्तता का अभाव, सीबीआई जैसी स्वायत्तता का अभाव, सीबीआई जैसी एजेंसियां प्रशासनिक और वित्तीय रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पर निर्भर है, उनके पास कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव है। संघवाद, राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी भी एजेंसी को अपराधों की भारतीय जांच का कार्य सौंपने का केंद्र सरकार का निर्णय संविधान का उल्लंघन करता है, क्योंकि लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय है। गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम यूएपीए 1967 अधिनियमों में से एक है जिन्हें एनआईए अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया था। अधिनियमों में शामिल अपराधों की जांच करने के लिए एजेंसी को अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। जानते हैं कुछ सीबीआई के कितने सीबीआई कितने तरह के मामलों की जांच कर सकती है? सीबीआई 3 तरह के मामलों की जांच करती है। इनमें से एक है भ्रष्टाचार विरोधी मामले, ये आमतौर पर सार्वजनिक अधिकारियों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत होते हैं। यानी कि जो जो मामले जो केंद्र सरकार कर्मचारियों या फिर कर्मचारी सरकार कर्मचारियों के लिए या सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जो मामले होते हैं भ्रष्टाचार के, उनमें सीबीआई की जाँच हो सकती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच संबंधित सीबीआई का अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई का अधीक्षण करेगा जब वो ऐसे मामलों की जांच करेगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत इन अपराधों की जांच के लिए सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। आर्थिक अपराध, वित्तीय कदाचार, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन के संचालन आदि से संबंधित अपराध। हालांकि सीबीआई आमतौर पर धन शोधन के मामलों को ईडी को हस्तांतरित कर देती है, यानी कि यह भी सीबीआई के दायरे में आती है, परंतु यह मामले अधिकतर या अधिकांश समय पर ईडी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। स्वतः संज्ञान, सीबीआई केवल संघ शासित प्रदेशों में अपराधों की स्वतः संज्ञान से जांच कर सकती है। यानी कि जो जो राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश है यानी केंद्र सरकार के
अधीन आते हैं उन्हीं के पर सीबीआई स्वतः संज्ञान से कार्य कर सकती है, और जो राज्य यानी जिनकी राज्य सरकार है अपने स्वयं की, वहाँ पर यह जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वहाँ पर सीबीआई स्वतः संज्ञान से कार्य नहीं कर सकती। या तो यह किसी के केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित की जाएगी या फिर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाएगी। केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बाद ही सीबीआई को राज्य सरकार किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है। यानी कि इसका मतलब हुआ, यानी कि केंद्र सरकार बिना किसी राज्य की इजाजत के उस राज्य में सीबीआई को किसी भी केस की जांच के लिए या अपराध की जांच के लिए अधिकृत नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार को पहले उस राज्य सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी, जबकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी किसी की भी अपराध की जांच के लिए आदेश दे सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं हमारी जांच एजेंसियों में सुधार की क्या आवश्यकता है, हम इस पर भी हमारी एक नज़र डाल लेते हैं। तो कि जो कि हाल ही का मुद्दा था अम्ब्रेला संगठन, जो कि हमारे सीजेआई ने कहा था अम्ब्रेला संगठन, तो ये अम्ब्रेला संगठन क्या होता है हम इसके ऊपर बात करते हैं। जांच एजेंसियों की शक्तियाँ, कार्य और क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से निर्धारित अम्ब्रेला संगठन जांच एजेंसियों की शक्तियां, कार्य और क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के साथ ही समन्वय में सुधार करने, संसाधनों और खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने की आवश्यकता है। यानी कि उनमें जो हमारे देश में विभिन्न जांच एजेंसियां हैं उनमें हम एक समन्वय स्थापित कर सके, ताकि उससे जो कि हमारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं या विभिन्न जांच एजेंसियां एक ही केस को जब देखती है तो उनमें एक समन्वय स्थापित कर सके, और जो विलंब उन सबके जो कोऑर्डिनेशन उन सब में नहीं हो रहा, उस नॉन कोऑर्डिनेशन की वजह से जो हमको विलंब हो रहा है उसको हम कम कर सकें, और सही सही फैसला करके जो निर्दोष है उसको उसको हम न्याय दे सके, और जो अपराधी है उसको हम उसके उसको उचित दंड दे सके। इसलिए इस अम्ब्रेला संगठन की जरूरत है, इसके हम क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कर सके ताकि कौन सी जांच एजेंसी किस कार्य को करेगी, उसके कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ कार्य क्या है, इन भी चीज़ों की उसमें इन भी चीज़ों में सुधार की जरूरत है, और ताकि वो एक दूसरे के संसाधन को साझा कर सके और जानकारी को भी साझा कर सके, ताकि किसी के केस या अपराध की तुरंत जांच की सके या फिर जल्दी से उसकी जांच हो सके। अगर जानकारियाँ सहज से किसी किसी को मिल जाएगी तो वो अपनी जांच में थोड़ा जो विलंब हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, और अपनी जांच को निष्पक्ष और तेजी से कर सकते हैं। साथ ही यह जांच एजेंसियों को उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में दोषी ठहराए जाने से बचाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यह जांच एजेंसियों को उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में दोषी ठहराए जाने से बचाएगा। यानी कि बहुत बार ये देखा जाता है कि जांच एजेंसियाँ अपनी जांच को पूरा करने के लिए या फिर सबूत निकालने के लिए बहुत बार लोगों का उत्पीड़न करती है या किसी व्यक्ति का भी उत्पीड़न कर देती है, और जब ये बाद में पता चलता है कि हाँ जब बाद में जब जाँच होती है तब इस चीज़ का पता चलता है कि इस व्यक्ति का उत्पीड़न हुआ है। पर अगर हम इसमें एक समन्वय स्थापित कर सकें, कुछ उनके ऊपर कुछ बंदिशें लगा सकें या फिर कुछ उनको एक छत के लिए एक एक इकट्ठा करके कुछ नियम कायदों में उनके क्षेत्राधिकार को हम एक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें, तो यह जांच एजेंसी को उत्पीड़न के उपकरण के रूप में दोषी ठहराए जाने से बचाएगा। यानी कि अगर उनको दोषी ठहरा रहा है और वो गलत है तो उससे भी उनको बचाएगा और सामने वाले व्यक्ति को भी उससे बचाएगा, यानी कि इस उत्पीड़न से बचाने की कोशिश कर सकता है अगर हम कुछ ऐसे नियम कायदे वगैरह बना सके अम्ब्रेला संगठन के रूप में। एजेंसियों की बहुलता को समाप्त करेगा, और जो एजेंसियां हैं जो बहुलता को समाप्त करेगा यानी कि एक ही केस में बहुत सारी एजेंसियां जब लगी होती है तो बहुत बार यह कोई निष्पक्ष या फिर तुरंत या फिर जल्दी एक हम किसी एक जवाब पर नहीं पहुंच पाते हैं। इससे भी एक अगर ये संगठन बन जाएगा तो उससे हम ये कर सकते हैं कि एक ही एजेंसी को हम उसकी कमान सौंपे या उसकी जांच की अध्यक्षता सौंपे, या फिर अगर उससे 2 दिन को भी सौंपते हैं तो कम से कम वो जब संगठित जब उनका एक दूसरे से जानकारी साझा करेगी या फिर समन्वय संसाधनों को साझा करेगी तो कम से कम फिर भी हमारे जांच में उस सुधार आएंगे।
नियमित उन्नयन सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को सीखने के लिए ज्ञान के नियमित उन्नयन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विनियम कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यानी कि हमें उनमें नियमित मतलब कि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जैसे एजेंसियों में उनको नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय जो बहुत सारी कार्यक्रम होते हैं जिनमें बहुत सारी जानते एजेंसियाँ भाग लेती है उसमें उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए भी यह भी कदम हम उठा सकते हैं नियमित उन्नयन का। जांच के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक राज्य एजेंसियों को बेहतर सुविधाओं से लैस होना चाहिए। इन अब जांच के क्षेत्र में जो चुनौतियां बढ़ रही मतलब तरह तरह के मामले उसमें उठ जाते हैं, बीच में आपदा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे निपटने के लिए राज्य एजेंसियां जो होती हैं उनको बेहतर सुविधाओं से लैस होना चाहिए, यानी उनको सुविधाएँ देनी चाहिए, यानी कि कर्मचारी सुविधा, उनका तकनीकी सुविधा, उनको संसाधनों की सुविधा और वाहनों की सुविधा, इससे उनको भी जांच करने में सुलभ होगी, जांच जल्दी होगी, निष्पक्ष होगी। और अगर लोग स्थानीय पुलिस में स्थानीय कुछ उनको शक्तियों में थोड़ा छूट मिले, कुछ ऐसे मिले जिससे उनको उनके पक्ष में हो थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि हमारे जांच में थोड़ी बेहतरी आएगी। प्रदर्शन ऑडिट कमियों को दूर करने और जाँच एजेंसी के दक्षता में सुधार करने के लिए नियुक्ति समिति द्वारा संस्था के प्रदर्शन का वार्षिक ऑडिट किया जाना चाहिए, यानी कि उसकी जांच होनी चाहिए ताकि प्रदर्शन कैसा कर रही है, प्रदर्शन हमारी जांच एजेंसियां किस दक्षता यानी कैसे दक्ष हैं कि नहीं, वो जांच सुधार करने की दक्षता में सुधार करने के लिए कुछ ऐसी प्रदर्शन ऑडिट का मतलब इसी संस्थाएं नियुक्त समिति द्वारा इसे उनकी जाँच हो सके। प्रदर्शन ऑडिट कमियों को दूर करने और जांच एजेंसियों की दक्षता में सुधार करने के लिए नियुक्ति समिति द्वारा संस्था के प्रदर्शन का वार्षिक ऑडिट किया जाना चाहिए, यानी कि उनकी जो कार्य है या फिर उनकी दक्षता में कोई सुधार आया कि नहीं आया या फिर उनमें दक्षता में क्या कमियां रह गई है, उन सबकी ऑडिट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी जांच करने के लिए ऐसी कुछ संस्थाओं का उनका वार्षिक ऑडिट किया जाना चाहिए। स्वायत्तता जाँच एजेंसी पर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त करने एवं कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। इसके निदेशक को सरकार के सचिव के समान अधिकार दिए जाने चाहिए, उसे प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करना चाहिए। स्वायत्तता यह भी एक बहुत जरूरी चीज़ है कि जांच एजेंसियों को जो मिलनी चाहिए, जांच एजेंसी सरकार पर प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त करके, यानी कि सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण उन पर समाप्त करके, यानी कि बहुत सारे स्वायत्तता जांच एजेंसी पर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त करके एवं कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करके स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो सरकारी नियंत्रण है या फिर जो कोई प्रशासक है यानी कि जो जांच एजेंसियां है अगर उन पर कोई ऐसा नियंत्रण कर रहा है जो मतलब उस जांच के पक्ष में नहीं है या फिर वो उस जांच को बाधित करना चाहता है, हो सकता है कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उस जाँच को बाधित कर सके। इसलिए हमें प्रशासनिक नियंत्रण से कम करके समाप्त करके उसको उसकी जगह पर उसको कार्यात्मक स्वायत्तता या स्वतंत्रता करके स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि वो अपनी जांच को स्वतंत्र कर सके, निरपेक्ष कर सके। और इससे के जो इनके निदेशक है यानी जो जांच एजेंसियों के निदेशक है उनको सरकार के सचिव के समान अधिकार दिए जाना चाहिए, उसे प्रधानमंत्री से संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करना चाहिए। यानी कि बीच में जो हमारे जाँच एजेंसियों को बीच में जो उनके बीच में जो अन्य मंत्री या अन्य कोई प्रशासनिक प्रमुख है तो उसको हटा के हमें सीधे जो हेड है हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए करने की उनको स्वतंत्रता या ऐसा एक नियम बनाना चाहिए ताकि वो इन जो बीच में जो हमारे कोई प्रमुख आ रहे हैं इनको छोड़कर वो सीधा उस प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री को रिपोर्ट कर सकें ताकि जांच को एक निष्पक्षता मिल सके। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, पुलिस व्यवस्था महिलाओं के और अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है ताकि पीड़ित महिलाएं अपराध की रिपोर्ट करने के और पुलिस से संपर्क करने के लिए आश्वस्त महसूस कर सके। विश्वसनीयता में सुधार होना चाहिए, राज्य और केंद्रीय एजेंसी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और सहयोग होना चाहिए ताकि राजनीतिक कार्यपालिका के साथ मौजूदा गठजोड़ को समाप्त करके सामाजिक भेदता और जनता के विश्वास को पुनः प्राप्त किया जा सके। जो विश्वास घट रहा है जांच एजेंसियों पर लोगों का उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए सौहार्दपूर्ण संबंध और सहयोग को केंद्र और राज्य के बीच में स्थापित करना ही होगा ताकि राजनीतिक कार्यपालिका के साथ मौजूदा गठजोड़ को समाप्त करके यानी कि जो गठजोड़ हो रहा है लोगों का इसको
खत्म करके सामाजिक रूप से और जनता सामाजिक रूप से उनको वैध और जनता के विश्वास को प्राप्त किया जा सकता है। इससे यह आवश्यक है कि पुलिस और जांच निकायों के सहित सभी संस्थान लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें और सशक्त करें और किसी भी सत्तावादी प्रवृत्ति को पनपने न दे। यानी कि जो सत्ता में है हमें कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता है ताकि जो जांच एजेंसियां पर एजेंसियां काम कर रही हो उनपे सत्ता में स्थित दलों का या फिर सत्ता में स्थित सरकारों का उन पर उनकी जांचों पर प्रभाव ना पड़े ताकि जांचें निष्पक्ष हो सके, लोगों को न्याय मिल सके और जो जांच सालों से अटकी हुई है उनको जल्दी जल्दी पूरा कर सके। इसलिए ये कुछ जो हमारे यहाँ पर जांच सुधारों की जो आवश्यकता रखी गई है बहुत ज़रूरी है। ये जांच एजेंसियों में सुधार होने चाहिए और जो हमने कुछ कमियाँ गिनी थी हमने ऊपर जो कमियाँ गिनी थी इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। जो इनकी कार्यप्रणाली के विश्लेषण भी हमने किया है जिसको भी इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको भारत की जांच एजेंसियाँ में मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी या फिर हो सकता है इसमें बहुत गलतियाँ होंगी शुरुआत में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करेंगे हम इसको और सुधारेंगे और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।